मुझे सब काम टाइम पे चाहिए, मैं किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। जी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, खुदा हाफिज़। केटरिंग वाले से बात कर रहा था। बहन की शादी की तो हो गई तैयारियां, अब अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है तुमने? पता नहीं, नेहा ने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, तमाम सोशल नेटवर्क से भी और नंबर भी। तुम उसके घर जाओ ना। आर यू सीरियस? वो तो मुझे शायद घर में भी दाखिल ना होने दे। तुम उसके घर में तो दाखिल हो नहीं सकते, और उसकी जिंदगी में अपने आप को शामिल करना चाहते, कैसे होगा ये? देखो, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा नेहा से इन टच में रहना चाहिए, ताकि वो तुम्हारी तरफ माइल हो। क्योंकि देखो, इकरार का इतना मसला नहीं है, एक दफा नेहा के दिल में तुम्हारे लिए जगह बन गई ना, तो वो इकरार से खुद डिवोर्स ले लेगी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें अपना सारा फोकस नेहा को इंप्रेस करने में लगाना है। समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो मैं चलती हूँ। जाओ यहां से निकाल, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। नेहा मेरी बात तो सुनो। और छोड़ो मेरा, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है बात कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है? पीछा छोड़ दो मेरा, ये देखो मेरे जुड़े हाथ, मुझे जीने दो मेरी जिंदगी। तुम्हारी ये फजूल की हरकतें मुझे स्ट्रेस में डालती हैं। तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना, दोस्ती का एहसास कर लो। मत रखो मुझसे कोई रिश्ता। इतनी सी बात है कि तुम्हारी या तुम्हारे प्यार की मेरी जिंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है। प्यार के लिए ना सही, दोस्ती के लिए सही। भूल जाओ मैंने कभी तुम्हें प्रपोज किया था, भूल जाओ मैंने कभी तुम्हें अपने प्यार का इजहार किया था। सिर्फ दोस्ती याद रखो। ऑफिस ज्वाइन कर लो, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा।